دموع سبيل مريح تنهدى يا क्या आप सोचिए कि ये अर्ज रिसर्च फॉर ट्रूथ रिसर्च फॉर रियल नॉलेज वो कितनी शदीद है कि जब पैदा हो जाती है इंसान के अंदर तो उसे किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं रहती। उसके लिए दुनिया की कोई चीज अहम नहीं है, वो तो उसके लिए अपना सब कुछ लगा देगा। ही वांट्स टू नो द ट्रूथ, हकीकत क्या है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहां पैदा हुए? ईरान में। फारसी है, बाप एक बहुत बड़े आतिशकदे का चीफ प्रीस्ट था, सबसे बड़ा पुजारी। और वो जाहिर बात है कि जब बाप उस मनसब पर है तो बाप के बाद बेटा बैठेगा, कैरियर उसके लिए रोशन। लेकिन उनको ये ख्याल आया कि अजीब बात है, आग हम खुद जलाते हैं, ईंधन ना डालें तो जलती नहीं, हम ईंधन डालें तो जारी रहेगी और फिर उसी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, उसी से हम दुआएं करें, उसी से हम मांगने लगे। ये तो बड़ी बेवकूफी की हरकत है, मैं इसको करने के लिए तैयार नहीं। आपको मालूम है, he left his house, he left his country, घर छोड़ा, मुल्क छोड़ा, कहां गए? शाम। शाम में ईसाई राहिबों के पास, जैसे गौतम बुद्ध ने एक एक ऋषि और एक एक मुनि की खिदमतें की हैं, जूतियां सीधी की हैं इल्म हासिल करने के लिए। ये सलमान फारिस का रहने वाला एक एक ईसाई पादरी के पास, एक एक ईसाई राहिब के पास जा रहा है, मुझे बताओ हकीकत क्या है। एक से कुछ हासिल किया, दूसरे के पास गए। अब आखिरी जो शख्स था, बहुत नेक, बहुत साहिद, बहुत आलिम, बहुत आरिफ शख्स, चूंकि आपके इल्म में है कि उस वक्त तक जब तक हुजूर पर वही नाजिल नहीं हुई तो दीन कौन सा था? दीन ईसवी। और वो दीन ईसवी के माहिर और बड़े ही ऐसे रूहानी तौर पर आला मकाम पर फाइज राहिब मौजूद थे। हुजूर को बचपन में पहचाना एक राहिब ने, बुहेरा राहिब, पहचाना कि नहीं पहचाना? उसी तरह का ये राहिब था कोई शख्स। जब उसकी मौत का वक्त आया, हजरत सलमान फारसी पूछते हैं कि अब आप मुझे किसके हवाले कर रहे हैं? मेरी तो वो इल्म की प्यास अभी बुझी नहीं है। वो शख्स कहता है, मेरा इल्म ये मुझे बता रहा है कि नबी ये आखिरुज़्ज़मां के ज़हूर का वक्त अब करीब है। तुम्हारे अंदर जो ये प्यास है इल्म की, ये तो उन्हीं के दामन में पहुंचकर इसको सेरी हासिल होगी। और मेरा इल्म मुझे बताता है कि जुनूब की तरफ खजूरों की सरजमीन में उनका ज़हूर होगा, लिहाजा किस्मत यावरी करेगी, बिस्मिल्लाह करो, उधर का रुख करो। इधर उस राहिब की आंखें बंद हुई, इधर इन्होंने सफर शुरू किया अरब का, एक काफले के साथ शरीक हो गए। काफले पर डाकुओं का हमला हुआ, गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार करने के क्या मानी? गुलाम बना लिए गए, गुलाम बनाकर बेच दिए गए। लेकिन खरीदार कौन था? मदीने का एक यहूदी। यह है तलब सादिक, कशां कशां, चाहे गुलाम की हैसियत से जा रहे हैं मदीने, किस्मत जो है यावरी कर रही है। बज़ाहिर यह है कि लूटे गए, गुलाम बना लिए गए, मदीने पहुंच गए, हुजूर अभी तशरीफ नहीं लाए, अभी मक्के में है। लेकिन खबरें आ रही हैं कि मक्के में किसी ने दावा किया है नबूवत का। अब ये मुंतजिर हैं, जा सकते नहीं कि गुलाम है, आजाद तो है नहीं कि अपनी मर्जी से मूव करें। मैं ये कहा करता हूं, ये सलमान वो शख्स है, फारिस का सलमान, जिसके बारे में वो बात 100% सही है कि प्यासा कुएं के पास नहीं गया, कुआं प्यासे के पास चलकर आया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने पहुंचे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इन्हें खबर मिली, आ गए वो। लेकिन यह कि बहरहाल कैसे पहचानूं कि झूठा है या सच्चा नबी है, मेरे लिए क्या पहचान है? राहिब से एक सवाल किया था, उसने कहा था, देखो एक पहचान मैं तुम्हें बता देता हूं, वो सदका और खैरात कबूल नहीं करेंगे, हदिया कबूल करेंगे। लिहाजा अब ये चश्मे तसव्वुर से आप देखिए कितनी मिन्नत समाजत की होगी अपने उस यहूदी आका की। रुखसत ली, साथ ही खजूरें कुछ हासिल की, खजूरों को टोकरी में डाला, हुजूर की खिदमत में पहुंच गए। हुजूर ने सवाल किया कि सलमान ये क्या है? अर्ज किया, ये सदका है, मैं आपके लिए लाया हूँ। आपने फरमाया, नहीं, सदका ये गुरबा का हक है, तकसीम कर दो, मैं सदका नहीं लेता।
कुछ दिनों का बीज देकर फिर वही काम किया, फिर कुछ खजूरें लेके हाजिर हुए। क्या है? ये हदिया है आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। फरमाया हाँ, हदिया मैं कबूल करता हूँ। फौरन ईमान लाए, कदमों में गिर गए। अब आप बताइए कहाँ से कहाँ सलमान पहुंचा है। अगर वो भी अपने माशरे में जो चीज मानी जा रही थी उसको मानकर अपनी जिंदगी बिता देता तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचना नसीब होता? ये है वो बात। अब और मिसालें सुन लीजिए। वरका इब्ने नौफिल हैं, मक्के के रहने वाले हैं, लेकिन उनका दिल फिर गया। ये बुतों को पूजना चेबानी दारत, बेजान मूर्तियां, खुद हम तराशे, इनको पूजे। लिहाजा वो अब हकीकत की प्यास में गए कहां? मक्के से चलकर शाम पहुंचे। उस वक्त तक हुजूर तो पैदा तो हो चुके हैं, विलादत हो चुकी है, वही का आगाज नहीं हुआ। लिहाजा वरका कहां पहुंचे हैं? शाम। वहां जाकर ईसाइयत इख्तियार करते, वही दीन था उस वक्त। जब तक वही हुजूर पर नहीं आती, वही दीन है आसमानी। हजरत ईसा अलैहि सलाम की रिसालत का दौर चल रहा है और इतनी महारत हासिल करते हैं कि उनके बारे में आपको मिलेगा रिवायात में, काना यक्तुबु तौरात बिल इब्रानिया, कि हजरत वरका इब्ने नौफल इब्रानी जबान में तौरात लिखा करते थे। मक्के में अरबी जबान के लिखने वाले गिनती के लोग थे और ये इब्रानी की तालीम हासिल की उन्होंने, इतने बड़े आलिम। जब पहली वही आई है तो हजरत खदीजा हुजूर को लेकर गई है इन्हीं वरका इब्ने नौफल के पास कि जरा सुनिए इनके साथ क्या माजरा पेश आया है। हुजूर ने जब वो वाकया बयान किया हजरत जिब्राइल की आमद का, गारे हिरा का जो वाकया था, तो वरका इब्ने नौफल फरमाते हैं कि ये वही नामूस है जो मूसा पर नाजिल हुआ था, ईसा पर नाजिल हुआ था, और काश के मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जबकि आपकी कौम आपको मक्के से निकाल देगी। हुजूर हैरान हुए, अब मुखरे जइया हूं, क्या ये मुझे निकाल देंगे? ये तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे असादिक कहते हैं, अलमीन कहते हैं, मैं उनकी आंखों का तारा हूं, ये मुझे निकाल देंगे? हजरत वरका कहते हैं हाँ, ये अल्लाह का एक पुराना कानून चला रहा है, जो कोई भी हक की दावत देता है उसकी कौम उसकी दुश्मन हो जाती है। लिहाजा ये वाकया आपके साथ पेश आएगा, काश के मैं उस वक्त तक जवान हूं जबकि आपकी कौम आपको यहां से निकालेगी ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। वो नौबत आई नहीं, वरका का इंतकाल हो गया। इसी तरह का मामला जैद, जैद काबे के पर्दे पकड़ पकड़ कर कहा करते थे, ए अल्लाह मैं सिर्फ तेरी बंदगी करना चाहता हूं, मैं इन बुतों को नहीं पूजना चाहता, मुझे मालूम है इनमें कुछ नहीं है, लेकिन ए अल्लाह कैसे पूजूं ये मुझे मालूम नहीं, तेरी बंदगी कैसे करूं, तेरी परस्तिश कैसे करूं, तेरे अहकाम क्या है मुझे मालूम नहीं। ये जैद हैं जिनका इंतकाल हो गया हुजूर पर वही के शुरू होने से पहले। उनके बेटे थे सईद इब्ने जैद, जो बहनोई थे हजरत उमर इब्ने खत्ताब के। उनके घर में फातिमा बिनत खत्ताब हजरत उमर की हमशीरा थी। अब आप बताइए जैद का बेटा हो कैसे मुमकिन है कि उधर मोहम्मद पर वही आए, उधर वो उसकी तस्दीक ना कर दें। लिहाजा सईद इब्ने जैद जो है ये अशराए मुबशरा में से हैं, उन दस चोटी के सहाबा में से हैं कि जिन्होंने फौरन तस्दीक की और जिनको कि जन्नत की बशारत दुनिया में दी गई, वो सईद इब्ने जैद, जैद के बेटे सईद, और यही जरिया बने हैं हजरत उमर के ईमान का। वो आपकी बहन और आपके बहनोई फातिमा और उनके शौहर सईद इब्ने जैद ये ईमान लाए हैं पहले, और इनके रास्ते से होकर ईमान की दौलत खुद हजरत उमर तक पहुंची है। ये मैंने आपको चंद मिसालें दे दी, इससे हकीकत क्या वाजे हुई कि ये बुनियादी सवालात हैं जिन पर लोग गौर करते हैं। अल्लाह हकीकत तक पहुंचाता भी है,